हेलो एवरीवन मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स जहां आपको मिलता है 100 परसेंट एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडर गार्डन टू ट्वेल्थ क्लास तो आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज उसके देखेंगे हम कुछ इलस्ट्रेशंस ठीक है तो हम लोगों ने प्रीवियसली एक्टिविटी या टर्न बेस्ड रेशियोज़ में सारे टाइप के रेशियोज़ देखे डिटेल में एक एक इलस्ट्रेशन एक एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस किया अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे ठीक है तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम लोगों ने सबसे पहला रेशियो कौन सा पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ठीक है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन टू हंड्रेड तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ आपका ओवरऑल सेल्स के ऊपर तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा बड़ा सिंपल है ठीक है ये तो बिल्कुल बेसिक आप जो प्रॉफिटेबिलिटी अब नाइन टेंथ क्लास में पढ़ते थे मैथ्स में ये बिल्कुल वही चीज़ है ठीक है नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना तो क्या करना है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू हंड्रेड करना है और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है अगर आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन आपने ग्रॉस प्रॉफिट कितना रखा है वो निकल जाएगा तो बड़ा ही सिंपल है ये चलो ठीक है तो बेसिक फॉर्मूला हमने देख लिया रिवाइज कर लिया अब आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन पे ठीक है और देखते जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर नाइन्टी एट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉमेसन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या क्या दिया है देखो थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी की सेल्स दी हुई है नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन की सेल्स दी हुई है नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो बस दोनों साल का अलग अलग ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकल जाएगा इस दिन का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या हो जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वन लाख सिक्सटी थाउजेंड इन टू हंड्रेड ठीक है और इस साल का कितना हो जाएगा सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू लाख की सेल्स तो दो लाख की सेल्स पे साठ हजार का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो इसको हमेशा हम परसेंटेज के टर्म्स में निकालते हैं ठीक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को ये या आपको याद होगा चलो तो फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन लाख सिक्सटी थाउजेंड हंड्रेड कितना आ गया ये आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू लाख इंटू हंड्रेड यह आपका आ गया थर्टी परसेंट ठीक है तो साल थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी का आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था थर्टी परसेंट क्लियर हो गया इतना ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर नाइन्टी एट बड़ा ही आसान सा ठीक है तो यहाँ पर देख लो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर फॉर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी यह हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट होगा ठीक है एंड ये हो जाएगा आपका थर्टी परसेंट ठीक है क्लियर हो गया इतना यहाँ तक क्लियर है इलस्ट्रेशन नाइन्टी एट तो बहुत ही सिंपल है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चलो आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नाइन्टी नाइन पे कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन तो यहां पर क्या दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन छह लाख दिया है ग्रॉस प्रॉफिट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट बोला है ऑन कॉस्ट मतलब ऑन सीओजीएस ठीक है अब यहां पर इस केस में कैसे निकालोगे बड़ा ही सिंपल है सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख लो तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू हंड्रेड यह आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है ठीक है अब इस केस में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो पता है कितना पता है सिक्स लाख है आपको क्या चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे आया समझ में लेकिन हमें ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है ऑन कॉस्ट तो इसको हम कैसे निकालेंगे बड़ा ही सिंपल है देखो अगर ग्रॉस प्रॉफिट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे आप ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू छः लाख ऑन सेल्स कैसे निकालोगे तो सिक्स लाख इंटू ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड नहीं करोगे अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स बोलते तो हम क्या करते सिक्स लाख इंटू ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड कर देते बट क्योंकि ऑन कॉस्ट बोला है तो सिक्स लाख इंटू ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी फाइव कर देंगे ठीक है तो इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड क्लियरली ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल गया इसको यहां पर हम रख देंगे मेन फॉर्मूले में तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय सिक्स लाख इन टू हंड्रेड आपका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी परसेंट तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन 99 नाइन बड़ा ही सिंपल है क्लियर हो गया इतना ठीक है कोई डाउट कोई परेशानी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो यहां पर मैं आपको एक्स के टर्म्स में जब आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना तो बस इक्वेशन बना लो एक्स के टर्म्स में और एक्स की वैल्यू निकाल लो बड़ा सिंपल है देखो कैसे सेल्स इज इक्वल टू ये आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैं ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करूंगी तो मुझे सेल्स मिल जाएगा यहाँ पर मुझे नेट सेल्स ऑलरेडी दी हुई है कितनी सिक्स लाख अगर मैं सी को क्या मान लूँ एक्स तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ऑन कॉस्ट मतलब ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन सी ओ जी एस दैट इज़ मैं पॉइंट टू फाइव एक्स लिख सकती हूँ एक्स का ट्वेंटी फाइव परसेंट आपका क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट अब क्लियरली यहाँ पर देखो सिक्स लाख इज इक्वल टू सॉल्व करो फर्दर वन एक्स प्लस पॉइंट टू फाइव एक्स कितना हो जाएगा वन पॉइंट टू फाइव एक्स आ रहा है समझ में तो x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी सिक्स लाख डिवाइडेड बाय वन पॉइंट टू फाइव तो ये आपका कितना आ जाएगा फोर लाख एटी थाउजेंड तो मतलब सी ओ जिसको आपने x रखा था वो आ गया फोर लाख एटी थाउजेंड तो क्लियरली आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो कैसे सेल्स में से अगर आप सी ओ जी एस को माइनस कर दो तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा तो सिक्स लाख में से अगर फोर लाख एटी थाउजेंड माइनस कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड समझ में आया तो बिल्कुल सेम तरीका है सेम आंसर आएगा मेथड आप अलग अलग अपना सकते हो वो आपके ऊपर है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आ रहा हो क्लियर है तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नाइनटी नाइन देख लो यहाँ पर यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया है ट्वेंटी परसेंट ठीक है कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ लो यहां तक क्लियर है पढ़ें आगे चलिए इलस्ट्रेशन हंड्रेड पे पढ़ते हैं आगे कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैल कैश सेल्स दी है पच्चीस परसेंट ऑफ टोटल सेल्स तो टोटल सेल्स का पच्चीस परसेंट कैश सेल्स है मतलब सेवेंटी फाइव परसेंट क्या होंगी क्रेडिट सेल्स होगी परचेजेस सिक्स लाख नाइन्टी थाउजेंड दिए हैं क्रेडिट सेल्स सिक्स लाख दिया है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्रीज फिफ्टी थाउजेंड ठीक है आ रहा है समझ में इसको कैसे ट्रीट करोगे अब वो हम देखेंगे पहले तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या सेल्स ठीक है तो क्रेडिट सेल्स आपको दी है कितनी सिक्स लाख अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ टोटल सेल्स इज इक्वल टू ठीक है तो, तो टोटल नेट सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स यहाँ पर आपका सेल्स रिटर्न है नहीं तो इसको हम नेट ही मान के चलेंगे तो कैश सेल्स क्या बोला है टोटल सेल्स का 25 परसेंट अगर मैं टोटल सेल्स को एक्स मान लूँ ठीक है तो टोटल सेल्स अगर मेरी एक्स है तो उसका 25 परसेंट दैट इज़ पॉइंट टू फाइव एक्स आपका कैश सेल्स हो जाएगा और क्रेडिट सेल्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कितना सिक्स लाख ठीक है सॉल्व कर लो इसको यहाँ पर भेज देंगे तो वन एक्स माइनस कितना हो जाएगा पॉइंट सेवन फाइव एक्स इज इक्वल टू सिक्स लैख तो एक्स आपका कितना आ जाएगा सिक्स लाख डिवाइडेड बाय पॉइंट सेवन फाइव तो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ जाएगा यहां पर आठ लाख ठीक है तो आपको नेट सेल्स मिल गई अब आपको क्या चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट का कोई यहां वगैरह कुछ दिया नहीं हुआ है तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है तो आपको यहां पर इसके अलावा क्या क्या दिख रहा है आपने कैश सेल्स पच्चीस क्रेडिट सेल्स इनको यूज कर लिया अब क्या क्या बचा देखो परचेजेस दिया हुआ है एंड एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री दिया फिफ्टी थाउजेंड मतलब आपको चेंज इन इन्वेंट्री पता है क्या होता है चेंज इन इन्वेंट्री याद होगा जब हम इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो निकालते थे तो चेंज इन इन्वेंट्री हमें दिया होता था दैट इज ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ठीक है और मेरा फॉर्मूला क्या होता है सीओजीएस का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो अगर मैं ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक दैट इज नेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक देखो सी ओ जी एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक इस चीज को समझना बहुत जरूरी है आपको तो एक बार ध्यान देना यहाँ पर प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ठीक है ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है सी ओ जी एस का जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह कुछ नहीं है अब यहाँ पर ध्यान से देखो अगर मैं या तो ऐसे लिखूँ या ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक दैट इज परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री लिख ओपनिंग स्टॉक और माइनस क्लोजिंग स्टॉक को अलग अलग लिखने की जगह समझ में आया तो या तो मैं इसको अलग अलग लिखूं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक या मैं इसको ये लिखूं परचेजेस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इसको क्या बोलते हैं हम चेंज इन इन्वेंट्री तो बात एक ही है इतना समझ में आ रहा है यहां तक कहानी क्लियर हुई अब ध्यान दो यहाँ पर तो बेसिकली यहाँ पर परचेजेस कितनी है सिक्स लैख नी थाउजेंड है अब चेंज इन इन्वेंट्री दैट इज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्या आ रहा है आपका माइनस फिफ्टी थाउजेंड आ रहा है माइनस फिफ्टी थाउजेंड मैंने क्यों बोला क्योंकि आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से ज़्यादा है ठीक है तो ओपनिंग इन्वेंट्री जितना भी होगा क्लोजिंग उससे पचास हजार ज्यादा है तो इसीलिए जब आप ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करोगे तो वो पचास हजार माइनस में आएगा ठीक है सपोज यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं अगर एक लाख की ओपनिंग स्टॉक है उसमें से आप माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक जो पचास हजार ज़्यादा है दैट इज एक लाख पचास हज़ार है तो बड़ा फिगर माइनस कर रहे हो तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा माइनस फिफ्टी थाउजेंड समझ में आ रही बात ठीक है तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का डिफरेंस दे दिया है दैट इज आपका क्लोजिंग एक्सेस है ओपनिंग से फिफ्टी थाउजेंड से तो क्लियरली चेंज इन इन्वेंट्री आपकी नेगेटिव में आ रही है दैट इज आ रही है ठीक है तो यहां पर अगर आपकी चेंज इन इन्वेंट्री माइनस में आ रही है ठीक है तो आप यहां plus, sign जो है, वो minus बन जाएगा। समझ में आ रहा है तो चेंज इन इन्वेंट्री अगर पॉजिटिव होती तो प्लस हो जाती लेकिन आपका चेंज इन इन्वेंट्री माइनस फिफ्टी थाउजेंड आ रहा है तो डेफिनेटली डिडक्ट हो जाएगा तो यहां पर आपका सीओजीएस कितना बचेगा सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड बस कहानी खत्म अगर सेल्स मिल गया और सीओजीएस मिल गया तो इनके बीच का डिफरेंस ही क्या है ग्रॉस प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल सकते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा सेल्स माइनस सी तो सेल्स कितनी थी आठ लाख माइनस सीओजीएस कितना है छह लाख चालीस हजार तो एट लाख माइनस सिक्स लाख फोर्टी थाउजेंड वन लाख सिक्सटी थाउजेंड आपका क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट तो क्लियरली यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट वन लाख सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स एट लाख इंटू हंड्रेड तो आंसर हो जाएगा हमारा वन लाख सिक्सटी डिवाइडेड बाय एट लाख इंटू हंड्रेड दैट इज ट्वेंटी परसेंट क्लियर हो गया इलस्ट्रेशन हंड्रेड को चाहो तो स्टार मार्क कर सकते हो ठीक है इसमें चीज़ें थोड़ा सा हमें खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपको थाली में परोस के फिगर्स नहीं दिए जाएंगे आपको खुद खाना बनाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा समझ में आ रहा है ठीक है तो थोड़ी सी मेहनत है यहाँ पर लेकिन बहुत ईजी और मज़ेदार क्वेश्चन है मैं एक बार फिर से इसको रिव्यू करवा देती हूँ जल्दी से देख लो हमें बेसिकली क्या दिया हुआ था कैश सेल्स दिया है कि टोटल सेल्स का पच्चीस है और क्रेडिट सेल्स की वैल्यू दी हुई है छः लाख तो हमने फॉर्मूले में इक्वेट कर दिया टोटल नेट सेल्स को एक्स मान लिया और कैश सेल्स को 25 परसेंट ऑफ एक्स मान लिया प्लस क्रेडिट सेल्स 6 लाख ,00 सॉल्व किया तो फर्दर आपका एक्स की वैल्यू आ गई क्या 8 लाख ,00 तो टोटल नेट सेल्स आपकी 8 लाख ,00 आपको मिल गई ठीक है अब हमें क्या चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली दिया नहीं था तो उसके लिए हमको थोड़ा सा सीओजीएस की मेहनत करनी पड़ी वो कैसे किया परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ठीक है तो अलग अलग लिखो या साथ में लिखो बात एक ही है अब चेंज इन इन्वेंट्री क्या बोला है उन्होंने कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से ज्यादा थी तो आपका क्लियरली चेंज इन इन्वेंट्री नेगेटिव में आया होगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा बड़ा फिगर है वो माइनस हुआ है ओपनिंग से ठीक है तो क्लियरली माइनस फिफ्टी थाउजेंड चेंज इन इन्वेंट्री आया वो आपका यहाँ पर परचेज में जाकर डिडक्ट हो जाएगा तो आपका सी ओ जी एस नेट कितना आ जाएगा सिक्स लाख फोर्टी थाउजेंड अब बस आपको सी ओ जी एस मिल गया सेल्स मिल गई उनका डिफरेंस ही क्या है ग्रॉस प्रॉफिट तो वन लाख सिक्सटी थाउजेंड ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया जी पी रेशियो में रख दिया ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स इंटू हंड्रेड आपका आंसर आ गया ट्वेंटी परसेंट ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन हंड्रेड ठीक है ध्यान से देख लो और इस सोल्यूशन ये इन लोगों का सोल्यूशन एक बार आप रिव्यू कर लीजिएगा बुक में जो आपको दिया हुआ है ठीक है बाकी मैंने उसको ईजी बनाने की कोशिश की है आपके लिए और इसमें कोई भी डाउट हो इलस्ट्रेशन हंड्रेड में तो पूछ लीजिए बढ़े आगे चलिए इलेस्ट्रेशन वन ओ वन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर दर हंड्रेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चलो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है ध्यान से देखो कैश सेल्स दिया है ठीक है परचेजेस कैश और क्रेडिट दिए हैं कैरेज इनवर्ड कैरेज इनवर्ड क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है सैलरीज ठीक है डिक्रीज इन इन्वेंट्री अब देखो डिक्रीज इन इन्वेंट्री बोला है मतलब चेंज इन इन्वेंट्री हो रहा है हमारी इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है मतलब इसका मतलब क्लियरली अगर आपका ओपनिंग स्टॉक एक लाख है तो डिक्रीज होकर क्लोजिंग स्टॉक आपका कम बच रहा है तभी इन्वेंट्री आपकी जो ओपनिंग थी उससे डिक्रीज होकर क्लोजिंग कम बचेगा समझ में आ रहा है तो क्लियरली ये चेंज इन इन्वेंट्री है दैट इज ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो अब क्लियरली कितने का डिफरेंस आ रहा है दस हजार का इसका मतलब क्या बोल रहे हैं इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है दस हजार से तो मतलब अगर ओपनिंग आपका था एक लाख दस हजार तो क्लोजिंग स्टॉक आपका नाइन्टी थाउजेंड का होगा तभी जब आप ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करोगे तो आपका डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना आ जाएगा एक लाख से दस हजार गिर गई इन्वेंट्री टेन थाउजेंड तो दैट इज टेन थाउजेंड चेंज इन इन्वेंट्री आ गया और ये पॉजिटिव आया है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा कम हो गया है समझ में आ रहा है पिछले वाले इलस्ट्रेशन से इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है बेसिकली परचेज रिटर्न ठीक है जो आपने परचेज किया उसको रिटर्न कर दिया वापस रिटर्न आउटवर्ड हम हम वापस कर रहे हैं समझ में आ रहा है वेजेस फाइव थाउजेंड तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है एंड रेशियो ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स वन टू थ्री तो अगर एक रुपए की कैश सेल हुई है तो थ्री टाइम्स आपकी क्या होगी क्रेडिट सेल्स होगी ठीक है तो तीन रुपये की आपकी क्रेडिट सेल्स होगी समझ में आ रहा है यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई चलो अब हमें क्या निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अब क्लियरली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए हमें दो आइटम्स की आवश्यकता है क्या क्या ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इन टू हंड्रेड चलो तो हम यहाँ पर दोनों के लिए थोड़ी मेहनत करेंगे कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं हम नेट सेल्स निकालते हैं ठीक है तो नेट सेल्स कितनी हो जाएगी कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स और सेल्स रिटर्न कुछ है नहीं कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स ठीक है तो क्लियरली वन इज टू थ्री का रेशियो है तो अगर कैश सेल्स हुई है पच्चीस हजार की तो इसका थ्री टाइम्स क्रेडिट सेल्स हुई होगी मतलब थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दैट इज कितनी हो जाएगी सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस सेवेंटी फाइव थाउजेंड कितना हो गया वन लाख तो लो आपको नेट सेल्स मिल गया तो यहाँ पर आप नेट सेल्स की वैल्यू क्या रख दोगे वन लाख अब आपको क्या चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है कोई भी परसेंटेज यहाँ पर तो हमें थोड़ा सा मेहनत करके सी निकालना पड़ेगा फिर हम सेल्स में से जब सीओ को माइनस करेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा चलो तो सीओ निकाल लेते हैं अब हम क्लियरली देखो सी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर सी ओ जी एस इज इक्वल टू हमारी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो यहां पर आपको ओपनिंग माइनस क्लोजिंग तो डायरेक्टली दे दिया है तो हम क्या ये लिख सकते हैं मैं देखो ध्यान से मैं क्या लिख रही हूँ नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज ठीक है तो या तो मैं ऐसे लिखूं ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग माइनस क्लोजिंग की जगह मैं डायरेक्टली चेंज इन इन्वेंट्रीज लिख दूं और ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री इतना क्लियर हो गया चलो अब नेट परचेजेस मेरी कितनी हो जाएंगी ध्यान से देखना तो मेरी टोटल परचेजेस हो जाएंगी कैश परचेजेस पंद्रह हज़ार प्लस क्रेडिट परचेजेस साठ हज़ार तो ये मेरी टोटल परचेजेस हो गई उसमें से मैंने दो हज़ार का परचेज रिटर्न किया तो वो मैं माइनस करूँगी तब जाके मुझे नेट परचेजेस मिलेगी तो ये दो हज़ार का परचेज रिटर्न को माइनस करना मत भूलना ठीक है इसीलिए लिए सी अच्छे से कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको यू नेवर नो आपको कहाँ कैसे क्या काम में आ जाए ठीक है और क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने मार्क किया देखो क्या क्या आ जाएगा कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है प्लस वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और चेंज इन इन्वेंट्री क्योंकि पॉजिटिव है क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक दस हज़ार से कम हो गया है क्लियरली तो आपका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग पॉजिटिव डिफरेंस आएगा दस हज़ार का इतना क्लियर हो गया बस अब सॉल्व कर लो चलो तो सॉल्व कर लेते हैं फिफ्टीन थाउजेंड प्लस सिक्सटी थाउजेंड माइनस टू थाउजेंड नेट परचेजेज मेरी हो गई सेवेंटी थ्री थाउजेंड की उसमें मैं टू थाउजेंड प्लस फाइव थाउजेंड सेवन थाउजेंड के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दूंगी प्लस टेन थाउजेंड ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का डिफरेंस जोड़ दूंगी तो मेरा सी ओ जी एस आ जाएगा नाइन्टी थाउजेंड अब देखो आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हो सेल्स अगर एक लाख है ठीक है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नाइन्टी थाउजेंड है तो रसगुल्ले आपने एक लाख में बेचे लेकिन रसगुल्लों का आपको बनाने का कॉस्ट आपका था नब्बे हजार तो आपका प्रॉफिट आपने कितना जोड़ा है कॉस्ट में क्लियरली दस हजार तो टेन थाउजेंड का क्या हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट तो यहां पर हम ग्रॉस प्रॉफिट में लिख देंगे टेन थाउजेंड ठीक है तो टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन लाख इन टू हंड्रेड आपका आंसर आ जाएगा यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो टेन परसेंट क्लियर है इलस्ट्रेशन हंड्रेड एंड वन ठीक है तो बहुत सिंपल था सबसे पहले हमने नेट सेल्स निकाल लिया कैश सेल्स प्लस थ्री टाइम्स ऑफ आपका कैश सेल्स आपका क्रेडिट सेल्स होगा ठीक है तो क्लियरली नेट सेल्स वन लाख आ गया सी निकाल लिया बस मेन यहाँ पर सी निकालना आपको आना चाहिए था नेट परचेजेस जिसमें हमने कैश क्रेडिट परचेजेस जोड़े और परचेज रिटर्न को माइनस किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ा और चेंज इन इन्वेंट्री को जोड़ा तो हमारा सी ओ आ गया बस उनके बीच का डिफरेंस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया टेन थाउजेंड क्लियर है तो यहाँ पर देख लो आपकी नेट सेल्स आ गई थी वन लाख की नेट परचेजेज आपकी आ गई थी सेवेंटी थ्री थाउजेंड ठीक है आपने सी ओ जी एस निकाल लिया कितना नाइन्टी थाउजेंड आ गया सी ओ जी एस तो ग्रॉस प्रॉफिट वन लाख माइनस नाइन्टी थाउजेंड टेन थाउजेंड आ गया फॉर्मूले में पुट किया टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन लाख इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू टेन परसेंट ठीक है तो जल्दी से इलस्ट्रेशन हंड्रेड एंड वन का सोल्यूशन देख लो और इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन वन ज़ीरो टू पे ओपनिंग इन्वेंट्री दी है फाइव लाख क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है थ्री लाख इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो दिया है एट टाइम्स अरे मतलब बहुत मजा आने वाला है यहाँ पर वो अब आपकी पुरानी नॉलेज को भी टेस्ट कर रहे हैं ठीक है सेलिंग प्राइस है ट्वेंटी फाइव परसेंट अबव कॉस्ट मतलब अगर कॉस्ट सौ रुपये है तो उस पर पच्चीस परसेंट हम जब ऐड करेंगे तो एक सौ पच्चीस रुपये आपकी सेल्स हो जाएगी समझ में आ रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चलो तो बहुत मजेदार है ये क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू हंड्रेड अब आपको दिया क्या है देखो ध्यान से इन्वेंट्री टर्नओवर ओवर रेशियो दिया है चलो तो हम एक काम करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर ओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था वो याद करने की कोशिश करते हैं तो क्या लिखते थे हम इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री कुछ ऐसा याद आ रहा है हमने पढ़ा था ठीक है अब इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो यहाँ पर कितना दिया है एट टाइम्स दिया हुआ है हमें इसके थ्रू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता चल जाएगा क्योंकि हमें एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों दिया है तो फाइव लाख प्लस थ्री लाख डिवाइडेड बाय टू आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी दैट इज कितना आ जाएगा एट लाख डिवाइडेड बाय टू दैट इज फोर लाख आ रहा है समझ में तो सीओजीएस आपका कितना हो जाएगा एट इन फोर लाख तो ये आ जाएगा आपका थर्टी टू तो अब आपको सीओजीएस पता चल गया ठीक है तो क्लियरली आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा सीओजीएस का 25 परसेंट ठीक है तो यहां पर 25 परसेंट ऑफ 32 लाख ,00 हम निकाल लेते हैं तो 32 लाख लैख इन टू ट्वेंटीड बाई हंड्रेड ये कितना हो रहा है आपका देख लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख ,00 ठीक है तो बिल्कुल इसी तरह से हमने निकाला हमें COGS पता चल गया उस पर पच्चीस परसेंट लगाया तो ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया अब बस आपको क्या निकालना है नेट सेल्स तो नेट सेल्स क्या हो जाएगा आपका सी ओ जी एस में ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ दो तो आपको ये पता चल जाएगा ठीक है तो बिल्कुल एज सिंपल एज दैट थर्टी टू लाख के आपने सपोज टोटल रसगुल्ले बनाए ठीक है उसमें आपने आठ लाख प्रॉफिट जोड़ दिया तो टोटल तो आप कितने में रसगुल्ले बेचोगे तो थर्टी टू लाख प्लस आठ लाख दैट इज चार लाख में बेचोगे अपना प्रॉफिट जोड़कर तो आपको नेट सेल्स कितना मिल गया फोर्टी लाख तो बस हमें सारी चीजें मिल चुकी हैं तो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट हम रख लेंगे एट लाख डिवाइडेड बाय नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा फोर्टी लाख इंटू हंड्रेड तो एट लाख डिवाइडेड बाय फोर्टी लाख इंटू हंड्रेड आपका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी परसेंट ठीक है तो समझ में आया किस तरह से इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का यूज़ करते हुए हमने सी ओ जी एस निकाल लिया फिर उसके बेसिस पर हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया और सी ओ जी एस में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ा तो हमें नेट सेल्स मिल गया समझ में आ गया ये था आपका इलस्ट्रेशन वन जीरो टू तो देखो यही आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट आठ लाख आ रहा है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फोर्टी लाख आ रहा है एक बार जल्दी से सल्यूशन देख लो और कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो ठीक है बड़े आगे चलिए इलस्ट्रेशन वन जीरो थ्री अ ट्रेडर कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री अब यहाँ पर डायरेक्टली आपको एवरेज इन्वेंट्री दे दिया है दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई टू उसका इन्वेंट्री टर्न ओवर एट टाइम्स एंड ही सेल्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट तो जो भी कॉस्ट होता है उसमें पच्चीस परसेंट प्रॉफिट जोड़ता है और फिर उस प्रोडक्ट को बेचता है गुड्स को बेचता है हमें क्या निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ठीक है तो यहाँ पर हम अगेन लिख लेते हैं सल्यूशन देखने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इन टू हंड्रेड अब यहां पर आपको क्या दिया हुआ इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का भी हमने जस्ट फॉर्मूला डिस्कस किया क्या होता था सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री ठीक है अब आपको इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एट टाइम्स दिया हुआ है सी ओ जी एस आप निकाल लोगे एवरेज इन्वेंट्री भी आपको कितनी दी हुई है दो लाख तो क्लियरली हमारा सी ओ जी एस कितना हो जाएगा टू लाख यहाँ चला जाएगा तो टू लाख इंटू एट दैट इज सिक्सटीन लाख ठीक है तो सोलह लाख रुपया आपका सीओ जी एस हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गुड्स को बनाने का कॉस्ट हो गया अब इसमें आप पच्चीस परसेंट क्या डालोगे ग्रॉस प्रॉफिट अपना ऐड करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 16 लाख जो सी था उसका 25 परसेंट हम प्रॉफिट मार्जिन रखने वाले हैं अपना तो 16 लाख का 25 परसेंट कितना हो गया 40 लाख सॉरी 4 लाख क्या हो रहा है ये 4 लाख ठीक है तो 16 लाख का 25 परसेंट हो गया 4 लाख बस अब आपको यहां पर सी भी पता चल गया ग्रॉस प्रॉफिट भी पता चल गया तो आप नेट सेल्स भी निकाल सकते हो ठीक है तो यहाँ पर सी में हम जब ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो कितने की सेल्स की है वो हमें मिल जाएगा चलिए तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था 16 लाख उसमें हमारा 4 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट था तो टोटल हमारी सेल्स हुई 20 लाख की बस सब कुछ मिल गया आप फॉर्मूले में पुट कर दो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 4 लाख डिवाइडेड बाय नेट सेल्स आ गई 20 लाख इंटू हंड्रेड ठीक है तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख आंसर आ गया बाई ट्वेंटी ठीक है तो वही किया इन्वेंट्री टर्नओवर ओवर रेशियो में इन्वेंट्री टर्नओवर ओवर रेशियो और एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यूज पुट की और सीओजीएस निकाल लिया सीओजीएस पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज लगाया तो चार लाख ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया बस सीओजीएस में वो ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ दिया तो हमें नेट सेल्स मिल गई कि हमने कितने की सेल्स करी बस और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के लिए हमने क्या किया ग्रॉस प्रॉफिट चार लाख डिवाइडेड बाय नेट सेल्स ट्वेंटी लाख इंटू हंड्रेड आंसर आ गया ट्वेंटी परसेंट देखो यही आ रहा है चेक कर लो एक बार सोल्यूशन देख लो रिव्यू कर लो और कोई भी डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो ठीक है तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है किस तरह से दूसरे रेशो की मदद से हम इस रेशो के आइटम्स को निकाल रहे हैं और इस रेशो को कैलकुलेट कर रहे हैं चलिए इलस्ट्रेशन वन जीरो फोर देख लेते हैं हम कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ठीक है तो यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री वन लाख सिक्सटी थाउजेंड है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो एट टाइम्स है तो अगेन हम लोग सी ओ जी एस निकाल लेंगे एवरेज ट्रेड रिसिबल्स ओ हो 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 ट्रेड रिसीवेबल एवरेज ट्रेड रिसबल्स दे दिया मतलब ट्रेड रिसबल टर्न ओवर रेशो भी दे दिया है तो यहाँ पर आप दो फॉर्मूलेज दो रेशोज की मदद से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने वाले हो। बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में चलो कैश सेल्स है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ नेट सेल्स ठीक है चलो तो देखो बड़ी मज़ेदार है क्वेश्चन इसको चाहो तो स्टार मार्क कर लो ठीक है सिंपल क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जब दिमाग लगाना पड़ता है ना कि ओ दो रेशियोज को यूज करते हुए हम कैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के आइटम्स को निकालेंगे चलो तो यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए क्या क्या चाहिए होगा अभी हम सोल्यूशन नहीं देख रहे हैं हम आपस में पहले डिस्कस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए हमें चाहिए एक तो ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा न्यूमरेटर होगा डिवाइडेड बाय हमें चाहिए नेट सेल्स जो हमारा डिनोमिनेटर होगा इन टू हंड्रेड चलो तो अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे ध्यान से तो पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू सी ओ जी एस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री अब इस क्वेश्चन में देखो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो कितना दे दिया है एट टाइम्स सी ओ जी एस हमें नहीं पता डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री भी हमें दे दिया कितना वन लाख सिक्सटी थाउजेंड तो क्लियरली यहाँ पर हमें सी ओ जी एस मिल जाएगा एट इंटू वन लाख सिक्सटी थाउजेंड तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ट्वेल्व लाख एटी थाउजेंड तो आपको सीओजीएस मिल गया ट्वेल्व लाख एटी थाउजेंड यहां तक समझ में आ गई कहानी अब ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो को एनालाइज करते हैं चलो तो ट्रेड रिसीवेबल टी आर टी आर शॉर्ट में लिख रही हूं टी आर टी आर ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था कुछ याद करने की कोशिश करो ट्रेड रिसीवेबल्स तो ठीक है डिनोमिनेटर में तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आते थे ये तो हमें याद आ गया लेकिन न्यूमरेटर में क्या आता था ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है बेसिकली डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल वो कब क्रिएट होते हैं जब हम क्रेडिट पे उधारी पे अपना सेल करते हैं तो यहां पर हम क्या लेते थे याद आ रहा है कुछ नेट क्रेडिट सेल्स ठीक है तो यहां पर आपको देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो कितना दिया सिक्स इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स हमें नहीं पता है डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दिए हुए हैं टू लाख तो आपको नेट क्रेडिट सेल्स मिल गई इस रेशियो के थ्रू कितना सिक्स इंटू टू लाख दैट इज ट्वेल्व लाख चलो बहुत मजा आ रहा है यहां पर सीओजीएस मिल गया हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से हमें क्या मिल गया नेट क्रेडिट सेल्स अब क्या बोला है ध्यान से कैश सेल्स जो है वो 25% परसेंट है ऑफ नेट सेल्स तो अगर नेट सेल्स सौ रुपए की हुई हैं ठीक है टोटल तो उसमें से पच्चीस रुपए पच्चीस परसेंट जो है वो कैश सेल्स होंगी दैट मीन्स सेवेंटी फाइव परसेंट क्या होगी क्रेडिट सेल्स होगी तो क्लियरली ये जो बारह लाख है ये सेवेंटी फाइव परसेंट है ऑफ द टोटल सेल्स तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे टोटल नेट सेल्स क्या हो जाएगा बारह लाख डिवाइडेड बाय सेवेंटी फाइव परसेंट तो क्या आंसर आ जाएगा बारह लाख डिवाइडेड बाय सेवेंटी फाइव परसेंट आंसर आ जाएगा सिक्सटीन लाख ठीक है अब आपको देखो टोटल नेट सेल्स पता चल गई सीओजीएस पता चल गया तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है तो यहां पर चलो कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल सेल्स हैं 16 लाख ,00 टोटल नेट सेल्स और जो गुड्स हमने बेचे 16 लाख के उनका उनको बनाने में कॉस्ट था हमारा ट्वेल्व लाख एटी थाउजेंड तो हमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया डिवाइडेड बाय नेट सेल्स टोटल कितने की हुई 16 लाख की हुई इन टू तो सॉल्व कर लो 16 लाख माइनस ट्वेल्व लाख एटी थाउजेंड आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड का हो गया डिवाइडेड बाय 16 लाख इन टू तो आपका आंसर आ जाएगा 20 परसेंट तो बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन था ठीक है क्या किया हमने इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो जो दिया हुआ है उसमें हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर ली ठीक है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो की और एवरेज इन्वेंट्री की तो हमें हमारा बैलेंसिंग फिगर सी ओ जी एस मिल गया सिमिलरली हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो में के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो हमारा जो मिसिंग फिगर था नेट क्रेडिट सेल्स वो हमें मिल गया फिर हमें क्या बोला गया है कि कैश सेल्स पच्चीस परसेंट है नेट सेल्स की तो देखो यहाँ पर या तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो क्या अगर मैं टोटल सेल्स को एक्स मान लूँ ठीक है उसमें से मैं कैश सेल्स को माइनस करूँ जो पच्चीस है दैट इज़ पॉइंट टू फाइव ऑफ एक्स ठीक है एक्स की पच्चीस परसेंट कैश सेल्स है तो एक्स माइनस पॉइंट टू फाइव एक्स क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ये आपके किसके बराबर होगा क्रेडिट सेल्स के तो क्रेडिट सेल्स नेट आपके आ चुकी थी बारह लाख ठीक है तो ये वन एक्स माइनस पॉइंट टू फाइव एक्स कितना हो गया पॉइंट सेवन फाइव एक्स इज इक्वल टू बारह लाख तो एक्स इज इक्वल टू बारह लाख डिवाइडेड बाय पॉइंट सेवन फाइव या इसको सेवेंटी फाइव परसेंट भी लिख सकते हैं यही हमने किया है डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बेसिक चीज है यहाँ पर आपको यह पता है कि कैश सेल्स पच्चीस परसेंट है टोटल सेल्स की इसका मतलब टोटल सेल्स के बचे हुए सेवेंटी फाइव परसेंट क्रेडिट सेल्स होगी क्रेडिट सेल्स का अगर वैल्यू मिल गया तो इसको डिवाइड कर देंगे अगर सेवेंटी फाइव परसेंट से तो हमें टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ़ नेट सेल्स मिल जाएगी जो मिल गई थी सिक्सटीन लाख ठीक है तो अगर आप डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है ये चीज़ तो आप डायरेक्टली कर सकते हो वरना x में इक्वेट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो ठीक है क्लियर हो गया क्वेश्चन ठीक है बहुत सिंपल था तो हमें सी ओ जी एस मिल गया इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो से और ट्रेड रिसिवल टर्न ओवर रेशियो की मदद से हमने टोटल नेट सेल्स निकाल लिया फिर हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला टोटल नेट सेल्स माइनस हमारा सी ओ जी एस जो आया था तो तीन लाख बीस हज़ार हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू हंड्रेड किया तो हमारा ट्वेंटी परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया तो इलस्ट्रेशन वन ज़ीरो फोर क्लियर हो गया है एक बार जल्दी से देख लो यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो ठीक है इसका सल्यूशन जल्दी से रिव्यू कर लो चलिए एक इलस्ट्रेशन लास्ट हम देख लेते हैं इलस्ट्रेशन वन ज़ीरो फाइव ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है कंपनी का कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज़ डिक्रीज और नॉट चेंज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ठीक है तो यहाँ पर हमें अपना दिमाग लगाना है कॉन्सेप्चुअली कि किस किस चीज़ पे इम्पैक्ट आ रहा है और वो उस इम्पैक्ट के कारण जो आपका ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज हो रहा है या उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो अगर अभी आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पच्चीस है तो इसका मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई क्या होता है नेट सेल्स इन टू हंड्रेड ठीक है तो अगर हम अज्यूम कर ले पच्चीस परसेंट है तो सपोज ये ढाई लाख है ग्रॉस प्रॉफिट तो नेट सेल्स कितनी होंगी दस लाख इंटू हंड्रेड तभी आपका आंसर क्या आया पच्चीस परसेंट आया ठीक है ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं तो अगर अब आप यहाँ पर दिमाग में रखो कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपका ढाई लाख है नेट सेल्स टेन लाख है तो आपका सी कितना होगा सी ओजीएस लाख फिफ्टी होगा तो इवेंचुअली हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स से मतलब है आ रहा है समझ में तो इनमें से अगर तीनों में से भी किस किसी, किसी पर इंपैक्ट आ रहा है तो उसके कारण क्या इंपैक्ट आएगा ओवरऑल रेशियो पे वो हमें देखना होगा अब देखो सबसे पहले परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड तो अगर स्टॉक इन ट्रेड खरीदा तो इसका किस पर इंपैक्ट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट पे नहीं नेट सेल्स पे नहीं लेकिन हाँ सी में फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ठीक है तो जब आप परचेज करोगे पचास हजार का स्टॉक तो आपके परचेजेस पचास हजार से बढ़ जाएंगे लेकिन आपने उस स्टॉक को खरीदा लेकिन बेचा नहीं तो उतना आपका स्टॉक पचास हजार का क्लोजिंग इन्वेंट्रीज में पड़ा रहेगा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रहेगा ठीक है? है आया समझ में जैसे आपने पांच रसगुल्ले खरीदे लेकिन अभी आपने उनको बेचा नहीं साल के एंड पे वो पांच रसगुल्ले आपके क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट हो जाएंगे तो इसीलिए यहाँ पर जब आप परचेज करोगे फिफ्टी थाउजेंड से तो फिफ्टी थाउजेंड से परचेजेस भी बढ़ रहा है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है तो आपका उतने से अमाउंट से क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ रहा है फिफ्टी थाउजेंड तो इवेंचुअली माइनस हो रहा है तो प्लस माइनस फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड नेट ऑफ हो ओवरऑल सी ओ जी एस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा है ना ही आपके ग्रॉस प्रॉफिट में ना ही नेट सेल्स में तो बिल्कुल सेम टू सेम यही रेशियो रहेगा तो इसलिए फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा नो no चेंज बोथ परचेजेज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री विल इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ठीक है मैंने वही बात बताई परचेजेज और क्लोजिंग स्टॉक दोनों सेम अमाउंट से बढ़ेंगे इसीलिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सी ओ जी एस विल रिमेन अनचेंज तो ओवरऑल आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स कुछ भी चेंज नहीं होगा इसके कारण ठीक है समझ में आ रहा है इसीलिए यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में नो no चेंज होगा परचेज रिटर्न अब परचेज रिटर्न पंद्रह हजार के हुए तो इसके कारण क्या होगा परचेजेज आपके कम हो जाएंगे तो आपने पाँच रसगुल्ले खरीदे उसमें से दो रसगुल्ले रिटर्न कर दिए वो खराब निकले ठीक है तो अब वो रिटर्न करोगे तो उतने से क्लोजिंग स्टॉक भी अब जो पहले पाँच होता अब वो भी दो रसगुल्ले से कम हो जाएगा समझ में आ रहा है तो सेम अमाउंट से परचेजेस भी कम हो रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो रहा है तो इवेंचुअली प्लस माइनस ये भी आपका सेटल ऑफ हो जाएगा सेट ऑफ हो जाएगा तो ओवरऑल सीओजीस पे अगेन कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इसलिए सेकेंड का भी क्या आंसर हो जाएगा नो no चेंज तो बोथ परचेजेस एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री विल डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट इसीलिए हमारा सी ओजीएस विल रिमेन अनचेंज तो ओवरऑल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑन सेल ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड कॉस्टिंग 85,000 ठीक है तो हमने बेसिकली 85,000 कॉस्ट का स्टॉक जो है वो बेचा समझ में आ रहा है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा इसके कारण हमारी सेल्स भी बढ़ेगी ठीक है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा समझ में आ रहा है तो यहां पर देखो ओवरऑल क्या चेंज आने वाला है इसका सोल्यूशन ध्यान से देखो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स जो है वो इंक्रीज होगी ठीक है और क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज होगी ऑब्वियसली अगर आपके पास जितना स्टॉक पड़ा है ठीक है जैसे पांच रसगुल्ले पड़े हुए हैं बट उसमें से अगर आप बेच दोगे तो अब आपके क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो आप 85,000 की जो कॉस्ट के गुड्स बेच रहे हो उतने अमाउंट से आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा और उस उतने अमाउंट के उसमें आप ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ के सेल्स कर दोगे समझ में आ रहा है तो ओवरऑल आपकी सेल्स में चेंज आएगा लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है ध्यान से देखो सेल्स विल इंक्रीज लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो डिक्रीज करेगी बाय द सेम परसेंटेज नॉट बाय द सेम अमाउंट क्यों क्योंकि सेल्स में प्रॉफिट भी शामिल होगा समझ में आ रहा है और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में से आप कॉस्ट क्या होगा जो गुड्स बेचे हैं उनका कॉस्ट क्या है उतना अमाउंट माइनस होगा समझ में आ रहा है तो जैसे दो रसगुल्ले हमने बेचे आ रहा समझ में लेकिन वो दो रसगुल्लों को बनाने में हमें दस रुपए पर रसगुल्ला लगा तो आप ट्वेंटी रुपीज अपने क्लोजिंग स्टॉक में से लेकिन आप उन रसगुल्लों को बेच रहे हो कितने में पर रसगुल्ला बेच रहे हो तो आपकी सेल्स कितनी हो जाएंगी थर्टी रुपीज की हो जाएंगी ये डिफरेंस समझ में आ रहा है इसलिए यहां पर क्या बोला है कि वो सेम परसेंटेज से डिक्रीज होगा लेकिन सेम अमाउंट से नहीं ठीक है तो आप तीस माइनस नहीं करोगे आप बीस माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक से एज अ रिजल्ट सी जो है वो हमारा ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा क्यों क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जिसको आप माइनस कर रहे थे वो डिक्रीज हो गया तो ओवरऑल सी तो बढ़ गया आपका ठीक है बाय द सेम परसेंटेज एज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीजेस तो सी और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये सेम परसेंटेज से बढ़ रहे हैं ठीक है तो इसीलिए आपका ओवरऑल कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है समझ में आ रहा है तो यहां पर क्लियरली क्योंकि नेट सेल्स आपकी जिस परसेंटेज से बढ़ रही है उतना ही अमाउंट सीओजीएस भी बढ़ रहा है इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट भी अनचेंज है ठीक है तो क्लियरली यहाँ पर आपका जीपी रेशियो पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट चलो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग ट्वेंटी थाउजेंड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अब बीस हजार रुपए का स्टॉक जो है विद्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज ठीक है तो यहाँ पर क्लियरली क्या होगा इस केस में यहाँ पर आपका परचेजेज में से भी अमाउंट कम हो जाएगा स्टॉक कम हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक में से भी कम हो जाएगा ठीक है आपने पाँच रसगुल्ले खरीदे दो रसगुल्ले आप खुद खा गए तो आपके परचेजेस भी तीन रसगुल्ले ही बचे और अब इवेंचुअली आपका क्लोजिंग स्टॉक में भी तीन रसगुल्ले ही बचेगा समझ में आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पर भी सी में कोई चेंज नहीं आएगा इसके कारण तो जब सी में कोई चेंज नहीं है तो ना ही ग्रॉस प्रॉफिट ना ही सेल्स में कोई चेंज तो में no है तो इसलिए जी रेशियो में नो चेंज है ठीक है सिमिलरली नेक्स्ट वाला देखो स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग टेन थाउजेंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स अब देखो सेम वही बात है यहाँ पर भी दो रसगुल्ले खाने की बजाय हमने क्या करा हमने उनको फ्री में बांट दिया लोगों को कि आप टेस्ट करो तो आपका क्या हो जाएगा परचेजेस भी कम हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा इसके कारण ओवरऑल सी ओजीएस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा तो इसलिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्लियर हो गया तो इसका भी सेम अमाउंट है सेम आंसर है बेसिकली क्लियर हो गया इतना तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन वन जीरो फाइव तो आई होप आज हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड जितने भी इलस्ट्रेशन क्लास में डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से समझ में आया है फिर भी कोई डाउट हो दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें आज के लिए इतना ही बाकी के जो भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन स्टे ट्यून्ड गुड बाय